बाबा ने हम सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें खींच दी हैं दिखाई देती हैं सबको देती हैं खींची हुई हैं हम बाबा के पास जिस क्षण आए सोया हुआ भाग्य तो जग गया था अब भाग्य आगे बढ़ा रहे हैं दिनों दिन मुझे एक बात आज याद आई सवेरे किसी माता ने कांटेक्ट किया छोटी सी उसकी समस्या लेकिन बार बार बोलती थी भाई जी मैं बहुत परेशान हूँ मतलब इतनी दुखी होकर बोल रही थी मंत्र बना लिया था उसने मैं बहुत परेशान हूँ मैंने उसको एक ही विधि बताई कि जैसे ये मंत्र तुमने बनाया है अब से मंत्र बना लो मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ अब ये उसके अंदर जा नहीं रहा था भाग्यवान हूँ मैं मैंने पूछा ज्ञान लिया है ढाई साल से लिया है मुरली सुनती हो वहाँ तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा कन्विंस किया तुम बहुत बहुत भाग्यवान हो और यह सच है कि अगर मनुष्य इस स्मृति में रहने लगे मैं पदमा पदम भाग्यवान हूं तो अनेक समस्याएं खत्म होने लगेंगी परेशान क्यों है मनुष्य परेशानियां ज्यादा नहीं हैं। क्या है ज्यादा सुरेश भाई दोनों सुरेश हैं सोचते ज्यादा हैं बात छोटी सी होती है लड़का पढ़ता नहीं है ठीक से परेशानी ज्यादा है सोच सोच कर इसलिए हमें अपने सोच को ठीक करने के लिए मुरलियों की इन सब बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए तो आज हम चर्चा करेंगे सभी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे कौन कौन सा भाग्य हमें प्राप्त है कौन कौन सा भाग्य मिलने जा रहा है क्या पूरे ही कल्प हम बहुत भाग्यवान रहे हैं माताओं का क्या विचार है पूरे कल्प हम बहुत बहुत भाग्यवान रहे हैं भाग्यवान मनुष्य की पहचान अब देखो किसी व्यक्ति को बहुत लोग कहेंगे बड़ा भाग्यवान है किसे कहेंगे हिंद प्रताप खुश है संपन्न है और अर्जुन संतुष्ट है और कुछ सोचो सब कुछ सहज मिलता है कई लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं मिलता ही नहीं और कई लोगों को सब कुछ सहज मिल जाता है भाग्यवान वो है जिसका परिवार सुखी है बच्चे चरित्रवान हैं, है या नहीं धन भी बहुत हो पद पोजीशन भी बहुत हो लेकिन बच्चों का हाल बिगड़ा हुआ हो मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे लोग मुझे अच्छे अच्छी पोस्ट पर एक ही बच्चा है बुरे संग में है बेचारे माँ बाप भी खुश नहीं रहते दोनों की बड़ी बड़ी पोस्ट हैं तो ये श्रेष्ठ भाग्य की पहचान है अब चिंतन करेंगे हमें सबसे पहला और सबसे बड़ा भाग्य कौन सा मिला भगवान भगवान सोच के तो देखें हमें सहज मिल गया ना रोज मिलता है खर्च नहीं करना पड़ा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमने देखा मैं अभी नॉर्थ की तरफ था लौकिक की तरफ बता रहे थे वहाँ की भी एक ईष्ट देवी है जैसे यहाँ की जी है तो कहा एक माता लेटते हुए सीधा लेट के पलट पलटी लेते हुए वहाँ पहुँचने वाली है शरीर भी छिलता है उसका लोग उसके साथ हैं देखो और वहाँ तो हिमालय में है थोड़ा सा ऊपर है कटीली जगह है पथरीली जगह है बरसात हो रही है कीचड़ है उससे वो ऐसे जा रही है और हमें कैसे मिला <laughs> घर बैठे मिला मिलने वाले के पास हमें नहीं जाना पड़ा वो स्वयं हमारे पास आ गया मुझे आज याद आ रहा था वो भी तो सोचता है जो मेरे थे वो मुझे मिल गए जैसे हम सोचते हैं वो हमें मिल गया वो भी तो सोचता है जो मेरे थे वो मुझे मिल गए हमारा ये परिवार कोई साधारण छोटी मोटी आत्माओं का परिवार नहीं है इष्ट देव देवियों का परिवार सोच के देखें कैसा सुंदर समय आया है जब सभी इष्ट देव देवियाँ युग से जिनकी मान्यता गायन कीर्तन पूजन रहा है मंदिर बने हैं वे सब इकट्ठे हुए हैं उन्हें उन्हें देवत्व प्रदान करने के लिए उन्हें उनमें शक्तियां भरने के लिए संपूर्ण प्योर बनाने के लिए आ गया है ना सुप्रीम? तो पहला भाग्य जो किसी को नहीं मिलता द्वापुर से किसी को क्षणिक दर्शन तो हुए होंगे साक्षात्कार करा देता है बाबा वो भी ज्योति का साक्षात्कार उससे तो भक्तों को संतुष्टि नहीं होती किसी को विष्णु के हुए महादेव के हुए फिर श्री कृष्ण के राम के और फिर अनेक शिव शक्तियों के ये सब होते रहे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है केवल वो हमें मिला ही नहीं जोड़ो एक शब्द और हमारा होकर हमें मिल रहा है हमारे जीवन में समा गया है वो समझ रही बहने सभी मिला नहीं केवल ये नहीं दर्शन दिए और लोप हम खुश हो गए भगवान को देख लिया वो हमारा होकर हमारा साथी बन गया हमारे जीवन में समा गया है जब संसार को ये पता चलेगा सोचो क्या होगा लोग सब जगह जाना छोड़कर आपके ही चरणों में लेट जाएंगे आपके चरण धो के पीने लगेंगे सचमुच यं और पांडव भवन शांतिवन तो बाद में ये दोनों स्थान महान तीर्थ बन जाएंगे पता है यं वालों को ये महान तीर्थ बनेंगे मिट्टी तो रही नहीं यहाँ कहीं है थोड़ी बहुत इधर उधर थोड़ी बहुत है बगीचों में <laughs> उसको भी लोग खोद खोद के ले जाएंगे <laughs> क्योंकि ये सब वाइब्रेशंस कण कण में समा जाते हैं इसी को तो लोगों ने भगवान की सर्वव्यापकता मान लिया ये श्रेष्ठ वाइब्रेशंस ये चेतनता ऐसे अनुभव होंगे लोगों को यहाँ का पानी पिया रोग ठीक हो गए मिट्टी ले गए मस्तक पे लगा ली ठीक हो गया सब कुछ तो ये सुंदर समय अब हमारे सामने आ रहा है दूसरा श्रेष्ठ भाग्य मिला है बोला था आपने श्रेष्ठ ज्ञान इसकी भी तो हमें द्वापुर से तलाश थी ऋषियों ने ग्रंथ लिखे वेद लिखे उपनिषद लिखे गए पुराण लिखे गए पर सत्य ज्ञान की खोज बनी ही रही देखो बहुत कुछ लिखा गया लोगों ने ये भी मान लिया कि इन ग्रंथों में संपूर्ण ज्ञान है ये भगवान की ओर से फरिश्तों की ओर से आए हैं लेकिन संपूर्ण ज्ञान की फिर भी खोज रही अगर संपूर्ण ज्ञान मनुष्य को मिल गया होता तो क्या होता एक तो खोज न होती रोज ये गायन न होता मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करो हे प्रभु मुझे राह दिखाओ ये सब ना होता हमारे में से कोई कहता है हे प्रभु राह दिखाओ एक बूढ़ी माता भी बूढ़ी माताएं है बैठी हैं बाबा को कहती हैं बाबा राह दिखाओ बोलो बुजुर्ग माताएं कोई कहती हो तो हाथ उठाओ उसको राह दिखवा दें कोई नहीं कहती देखो जो बिना पढ़ी लिखी माताएं हैं उन्हें भी श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया ना सच्ची विद्या मिल गई बड़ी पढ़ाई मिल गई तीसरा नेत्र मिल गया खोज चल रही थी ये कोई कम भाग्य है कि संपूर्ण सत्य को हमने जान लिया जीवन रोशन हो गया है जीवन की राहें मिल गई हैं गति सदगति अब खोज नहीं रे होगी या नहीं ये नहीं निश्चित हो गई है तो यह हमारा दूसरा भाग्य तीसरा हम्म हाँ ये तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी हम सब तो कहां बैठे हैं बाबा के घर में किसी को बड़ी नौकरी मिल जाए बहुत अच्छा ऑफिस मिल जाए आराम का काम मिल जाए सैलरी बहुत मिलने लगे वो भी भाग्यवान और हम सब वो हमें मिला है जो उनको नहीं मिलता निश्चिंत जीवन डॉक्टर निश्चिंत जीवन कमाने की चिंता नहीं खाने की फिक्र नहीं बीमार हो गए तो डॉक्टर हॉस्पिटल हैं कोई चिंता नहीं कितना पैसा खर्च होगा होगा या नहीं ये सब नहीं साथ में सुप्रीम सर्जन भी काम कर रहा है साथ में भगवान के घर में उसके कार्यों में लग गए हम उसके मददगार बन गए जिसने हमें जन्म जन्म मदद की अब हम उसके मददगार बन गए मैं सोचा करता हूँ आप में से भी कईयों ने ये बात सुनी होगी विष्णु को भगवान मानते हैं विष्णु को सुप्रीम उसको कहीं कुछ कार्य करना है कराना है तो शक्तियों का आह्वान करते हैं जाओ ये कार्य करना है